ये घर मेरा है, आज भी इस पूरे घर पर मेरा अधिकार है। समझी तू? घर के एक हिस्से में रहने के लिए तुम्हें जगह क्या दी? तुम अपने आप को उसकी मालकिन समझ बैठी? आई आई, आप इतना दुखी मत होइए। आपने जो भी किया बिल्कुल सही किया, पर आए लोगों को कई बार उनकी जगह दिखाना बहुत जरूरी होता है। कम से कम उस नैना को पता तो चला कि इस घर में उसकी हैसियत क्या है। भजाई ने मुझे कितना पराया कर दिया दक्ष, और वो भी एक गलत फहमी के कारण इतनी बड़ी बात हो गई। बड़ी बात तो है आई, लेकिन जरा सोचिए, पहले उसने अथर्व को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, और अब संकेत की नौकरी के पीछे पड़ी। अरे आई, यही तो चाहती है वो कि हमारा परिवार कभी खुश ना हो। मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूं, मैं क्यों किसी को चोट पहुंचाऊंगी? ना ही अथर्व की घटना में और ना ही संकेत दादा की नौकरी वाले इल्जाम में, दोनों बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो, और जो कुछ भी इस घर में हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा नैना। इन हालातों को देखते हुए मैंने एक फैसला किया, हम इस घर को छोड़ देंगे ना। अगर घर से गए तो प्रॉपर्टी भी हाथ से जाएगी, और उस रोहिणी की पांचों उंगलियां घी में हो जाएंगी। यही तो वो चाहती है। अगर घर छोड़कर गए तो ना घर के रहेंगे और ना घाट के। अरे चुप क्यों? मैं कोई कथा नहीं बाच रहा हूं, ऐसे तो ज्ञान के बहुत मोती बरसाती हो। मेरे बोलने से क्या होगा? अरे क्यों नहीं होगा, बोल बोल कर तो दुनिया बोल बचन हो गई है, और बोल बोलकर उस रोहिणी ने हमें भिखारी बना दिया। सच को झूठ और झूठ को सच बोलकर पूरे घर की छत हिला देती है वो। वैसे नैना की भी दाद देनी पड़ेगी, रोहिणी के हर वार को झेल लेती है, और ये रोहिणी भी कम शातिर नहीं है। जब नैना की वार करने की बारी आती है तो वहिनी को अपनी ढाल बना लेती है। वहिनी, आप तो जानती हो ना कि ये दुनिया गोल है, सारी बातें वहीं पे शुरू हो जाती है जहां पे खत्म हुई थी। और आप मेरे मुंह छुपाने की चिंता मत कीजिए, अपनी सोचिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको सर झुकाने के लिए एक नई छत ढूंढनी पड़े। क्या मतलब है तुम्हारा? बड़ी भोली बन रही है आप ही के अनुसार जिस घर पे कब्जा करने के लिए मैं इतनी चाले चल रही हूँ, उस घर को मैं इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी, है ना? अगर आप मुझे इस घर से निकलवाना ही चाहती है तो कोर्ट में खड़े रहने के लिए तैयार हो जाइए। नहीं नहीं, मैं आपको जेल नहीं भेजूंगी, बस इस घर के लिए केस लड़ूंगी। बाकी बातें मैं अपने प्रॉपर्टी लॉयर से डिस्कस करके आपको बता दूंगी। तब तक के लिए जय माता दी।